हे दोस्तों, कैसे आप लोग, आपका स्वागत है प्रजापति YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको दुनिया की तीन सबसे खतरनाक जगहों के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां के बारे में सोचकर ही लोगों के रुख कांप जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इन जगहों के बारे में पूरा डिटेल से जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को एक लाइक करेंगे, एक शेयर करेंगे तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की नई नई वीडियो सर्च करके लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। नंबर 3, अनिवा रॉक लाइट हाउस। दोस्तों इसे सकलिन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन रूस और जापान के बीच इस आइलैंड पर कब्जा करने के लिए लड़ाई हुई तो उन्होंने इसे दो भागों में बांट दिया और रूस ने इस जगह पर युद्ध के कई परीक्षण किए, लेकिन वर्ल्ड वार टू के बाद इसे खाली कर दिया गया। अफवाहों की माने तो इस आइलैंड पर खतरनाक रेडिएशन मौजूद है, जिसकी वजह से कोई भी इस जगह के नजदीक नहीं जाता है। नंबर 2, डाल फैक्ट्री। दोस्तों इस डरा देने वाली डाल फैक्ट्री के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जो स्पेन में मौजूद है। यहाँ का नजारा देखकर लोग कांपने लगते हैं, क्योंकि इस जगह पर लोगों को हर तरह की टूटी फूटी गुड़िया दिखाई देती है, जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे यह जगह श्रापित हो या फिर यहाँ पर कोई अनजान शक्ति रहती है। नंबर 1, मिर्नी डायमंड माइन। दोस्तों यह इंसान द्वारा खोदा गया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गड्ढा है, जिसे डायमंड को खोजने के लिए खोदा गया था। यह गड्ढा साइबेरिया के पूर्व में स्थित है, लेकिन साल 2003 में इसे बंद कर दिया गया था, जिसके पीछे का कारण तो पता नहीं चल सका, लेकिन आज भी लोग इस जगह पर जाने से कतराते हैं, क्योंकि यहाँ का नजारा बहुत ही डरावना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे एक चीज कमेंट करके बताइए, इन तीनों खतरनाक डरावनी जगहों में से आपको कौन सा सबसे खतरनाक लगा, प्लीज यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपको इसी तरह की नई नई वीडियो देखनी है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।